ये कुछ दवाइयां। आपके हुए बाबा जी 1350 रुपये। इस वक्त तो मेरे पास इतने ही हैं, अब बाकी खाते में लिख लो। बाबा जी, बाबा जी, आज फिर कितने लिखूं खाते में? अब कोई भी पैसा खाते में लिखने की जरूरत नहीं। लॉटरी लग गई बाबा जी? हाँ, बस यूं समझ लो कि लॉटरी लग गई। जब से पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महंगे बिजली के बिल जीरो करके हमारे कंधों से बोझ हटाया है ना, तब से हमें उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही है, अब तो समझो कि पंजाब के घर घर की ना लॉटरी ही लग गई है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में पंजाब के लगभग 86% परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है। देखिए, जो ट्रेडिशनली ये जो दिसंबर का महीना रहता है, ये पर्यटक जितने यहाँ पर आते हैं वो जो पिछले महीने हैं उसमें कमी होती है, क्योंकि मानसून और मानसून के उपरांत जो दो महीने होते हैं, परंतु जो दिसंबर का महीना होता है क्योंकि इसमें एक बर्फबारी का भी अंदेशा रहता है, तो पर्यटक यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो है प्रदेश में आते हैं। इसके लिए जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछला जो वर्ष था और उससे पहले का जो वर्ष था वो कोविड महामारी के प्रकोप की वजह से यहाँ पर पर्यटक जो है काफ़ी कम आए थे, परंतु ये वर्ष जो है पर्यटकों की आवाजाही के ओर से अगर देखें तो काफ़ी अच्छा ये वर्ष रहा है, और लगभग जो मेरे पास आंकड़े नवंबर के अंत तक 1,40,00,000 के करीब जो है यहाँ पर पर्यटक हमारे प्रदेश में आ चुके हैं, और ये जो महीना रहेगा दिसंबर का इसमें जो है 25-30 लाख का अनुमान रहेगा कि पर्यटक जो है हमारे प्रदेश में आएंगे। जो आपने अभी पूछा कि वाइट क्रिसमस या न्यू ईयर ईव जो है वाइट, इसमें जो है अगर बर्फ़ पड़ती है तो निस्संदेह जो है इसमें काफ़ी पर्यटक आता है, परंतु अगर बर्फ़ ना भी पड़े तो ये देखा गया है कि काफ़ी मात्रा में जो है टूरिस्ट यहाँ पर आता है, और ये दोनों जो है चाहे वो क्रिसमस है चाहे वो न्यू ईयर है एक वीकेंड पे पड़ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि काफ़ी भारी तादाद में जो है पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे। विभाग कोई ऐसे ऑफर्स नहीं देता है, वो हिमाचल प्रदेश जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसकी तरफ से जो है पैकेजेस बनाए गए हैं, और जितने भी हमारी इकाई हैं जितने भी हमारे होटल्स हैं उनमें अलग अलग किस्म के जो है पैकेजेस को डिवाइस किया गया है ताकि वहाँ पर टूरिस्ट आए, वहाँ पर जो है लुत्फ उठाए वहाँ पर, और उसमें डिस्काउंट्स भी जो है थोड़े जो पैकेजेस हमने बनाए हैं 2 दिन के 3 दिन के उसमें उनको जो है उसका फ़ायदा मिले। इस प्रकार के जो पैकेजेस हैं वो HPTDC ने डिज़ाइन किए हैं। जो ट्रैकिंग है वो पूर्ण रूप से जो बंद है क्योंकि विंटर मंथ्स में जो है इसको अलाउ नहीं किया जाता है। एक ऐप जो है पर्यटन विभाग ने जो है इसको डिज़ाइन किया है, उसको जो है लागू भी कर दिया गया है। जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं शुमले प्रदेश के, उनके साथ इसको जो है साझा कर दिया गया है। उसमें क्या है, जितने भी पर्यटक हमारे प्रदेश में आ रहे हैं और ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं उनको अपने को जो है इस ऐप पर रजिस्टर करना पड़ेगा, और जैसे ही वो अपने को इस ऐप पर रजिस्टर करेंगे जो संबंधित डिप्टी कमिश्नर्स हैं उस ज़िले के और जिस एरिया में वो जा रहे हैं वहाँ के जो SDMs हैं और SHOs हैं उनको इस की जो जानकारी तुरंत प्रवाह से जो मिल जाएगी, और उनको जो है जितने भी ट्रैकिंग पार्टीज जा रही हैं उनको इस ऐप के माध्यम से जो मॉनिटर किया जाएगा कि वो अपने जो डेस्टिनेशन पे है वहाँ पर ठीक प्रकार से पहुँच गए। अगर उसमें कुछ विलंब है तो जितने भी अथॉरिटीज़ हैं ज़िला प्रशासन है उसके में जो उनकी सर्च वगैरह का जो है ऑपरेशन जो है जारी कर सकते हैं। तो इस ऐप का बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होने वाला है, एक तो जो यहाँ पर जो ट्रैकर्स आ रहे हैं उनको पूरी जानकारी उस ट्रैकिंग रूट के बारे में मिल पाएगी, और दूसरा जितने भी ज़िला प्रशासन है वो ट्रैकिंग पार्टीज को जो है इस ऐप के माध्यम से ट्रैक कर पाएंगे।